हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं फिर आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ एक स्पेशल नाश्ता, स्पेशल डिश जो बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। आप उसे बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो, तो मैं उसकी रेसिपी तैयार करने वाला हूँ। बने रहें पूरी वीडियो में और देखते रहें किस तरीके से वो डिश तैयार हो रही है और किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने ले लिया है एक कटोरी में कटे हुए प्याज, और ये मैंने लंबे वाले शेप में काटे हैं। आप इसको किसी और शेप में भी काट सकते हैं। और मैंने लिए हैं दो कच्चे अंडे जो मैं मिलाऊंगा ये प्याज के साथ। तो ये देखिए, दो अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं फोड़ के। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। और ये हो गया है अच्छे तरीके से मिक्स। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए नरम होने के लिए छोड़ देता हूँ। तो तब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो को अंत तक देखें, और आप भी कोशिश करें इस तरीके की एक इजी डिश बनाने की। तो चलिए इसको रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। तो तब तक हम बनाते हैं बेसन का एक पेस्ट जो हम इसमें मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो मैंने ले लिया है एक कटोरी में बेसन। बेसन ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बेसन हम डालेंगे तो बेसन का टेस्ट आएगा, इसलिए बेसन को थोड़ा कम लेना है। और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें डालना है हल्का हल्का करके पानी, कि ये ज़्यादा गीला ना हो जाए। और इसको हम मिलाते रहेंगे क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक लगातार हम इसको चम्मच से घोलेंगे, जिससे कि इसका जो ये पेस्ट है बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए। तो लीजिए, ये पेस्ट हो गया है तैयार। तो हमें बनाना ये इस तरीके का बिल्कुल। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी धनिया, थोड़े से गरम मसाले और हल्की सी लाल मिर्च, वो अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हो। नमक, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। और हल्की सी हरी कटी मिर्च हम इसमें मिक्स कर देंगे। हरी कटी मिर्च भी आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल लेना। और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया पेस्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार, और हमारे प्याज भी बिल्कुल नरम हो चुके हैं। और जो हमने ये पेस्ट बनाया था, अब हम उस पेस्ट को प्याज में मिला देंगे। अब हम इस पेस्ट को प्याज और अंडे के साथ अच्छी तरीके से इसको मिला देंगे। तो देखिए, ये पेस्ट इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़े से कटी हुई धनिया। तो अब हमने इसमें ले लिया है थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। अब हम इसको इसमें मिला देंगे और इसके साथ इसको भी मिक्स कर देंगे। तो तैयार हो गई हमारी ये रेसिपी बनने के लिए। काफ़ी डिलीशियस लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हमने ले लिया है बड़ी चम्मच से, 2 या 3 चम्मच के लिए मैंने, आप अपने हिसाब से ले लेना, जितना आपको बनाना है आप उस हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने 3 चम्मच तेल लिए हैं। तो अब हम जो हमने ये पेस्ट बनाया था बेसन का, अंडे का और प्याज का, अब हम चम्मच से इसको ऐसे इसमें डालेंगे। इसको फैलाना नहीं है, ये अपना आप अपना शेप ले लेता है। तो इसको तब तक के लिए छोड़ देते हैं जब तक ये एक साइड ब्राउन ना हो जाए, पक ना जाए। अब हम इसको पलट देते हैं दूसरी तरफ। ये देखिए, ये काफी अच्छा
अच्छे लग रहे हैं। अब हम इनको घुमाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। तो ये हो चुका है, हमारे अंडे बेसन और प्याज के जो पकोड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इनको हरी चटनी हो गई या टोमेटो सॉस हो गया, किसी भी चटनी के साथ हम इनको खा सकते हैं। आप भी ट्राई करिए अपने घर पे इस प्रकार की डिश बनाने की। तो देखते रहिए मेरी इस प्रकार की वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।